Can you tell me what seed is this? ए भैया नहीं मैं टाइपिंग कर रही थी तो मूसली खाया था. I love this. ऐसे खुलता है ये स्विच टिपा. Whenever I go to hotel rooms or something, मेरे को इंटीरियर से सीखने को मिलता है. इतना पैसा इन्वेस्ट ही करती हूँ. 1200 rupees pasta looks good. Yes. And this is 600 rupees. मेरे को पापा का याद आ रहा है. Good morning, food family. Welcome to my world of sinful eating, or what I don't know. This is second day of me staying in Delhi. Now, this is what my kind of space looks like. So, this is a lovely property where I'm staying, which is Shangri-La at Connaught Place. So, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ information share करूँ, क्योंकि जब I'm investing so much of money और मेरे तरह हो सकता है आप लोग भी बहुत सारे होंगे. Who wants to stay at 5-star or who do stay at 5-star? तो if I see this is something which I'm experiencing for the first time because मैंने travel करना स्टार्ट किया है. स्टार्टेड स्टेइंग एट गुड प्रॉपर्टीज गुड होटल्स. तो मैंने सोचा बेस से मैंने चालू किया था तो क्यों ना ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले या कुछ इन्फॉर्मेशन मिले. सो दिस प्रॉपर्टी इज अमेजिंग. तो वी आर एट द लिविंग रूम वेर यू कैन सी देयर्स अ स्टडी टेबल और डाइनिंग टेबल यू कैन कॉल इट एज. जैसे आप आओगे अंदर हमारा टी पॉट रहता है, देयर इज वाटर which is like good and this is something very nice. मतलब ये मेरे को काफी अच्छा लगा. Like the cups so neat and clean and so well organized, you know. And यहाँ पर you have got the cutlery. Like अगर आपको खाना वन order करके खाना, so you have a set of cutleries for you. Mini refrigerator which definitely everyone has. So यहाँ पर अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं. And then what we have up here, there's only cupboard कि अगर आप अपना सामान वामान रख सको. You have a television up here. जो टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम रहता नहीं कि मैं होटल रूम को एंजॉय कर पाऊँ. मैं चेक इन करती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ और निकल जाती हूँ. सो मैं इतना पैसा वेस्ट ही करती हूँ. इनफैक्ट बेस्ट नहीं, क्योंकि रात को मेरे को अच्छे से सोना होता है. इसीलिए यू हैव दिस सोफा अप हियर वेयर यू कैन सिट चिल एंड यू नो जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम्स विद योर लव्ड वंस. नाउ लव्ड वंस की जब बात आती है तो ये ट्रिप इज डेडिकेटेड टू माई मम्मी. सो हम लोग अभी है 14 से 16 तारीख तक मम्मी के लिए आए हैं, बट इसके बाद मैं वापस आने वाली हूँ 7 तारीख से 12 तारीख तक फॉर अ प्रॉपर फूड व्लॉगिंग. नाउ व्हेन आई हैव टॉक्ड अबाउट क्लोज वन, सो पैन द कैमरा टू माय क्लोज वन मम्मी. एंड मम्मी आपको बताएगी ये कैसे खुलता है, बिकॉज कल से मम्मी यही कर रही है. मम्मी को बड़ा मजा आ रहा है. देखो देखो कैसे खुलता है ये स्विच टिपा. और बस ऑन किया, बस मम्मी पर्दा उठा रही है, पर्दा गिरा रही है. सुबह सुबह उठ के पर्दा उठा रही है, बैठ के देख रही है. ओह वी हैव मिरर हियर एज वेल. मैंने ये क्यों नहीं देखा, मैं बार बार उधर जा रही थी बेडरूम में मिरर के लिए. मम्मी कुछ बोलना है आपको? क्या बोलना है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. 16 तारीख तक करूंगी, 17 तारीख से घर पे इंजॉय सिंधु के साथ. यहाँ पर वी हैव गॉट अ वार्डरोब एंड यहाँ पर टेलीविजन. यू हैव गॉट अ वेरी लवली बेड अप दिस बेड इज रियली सॉफ्ट, क्योंकि कल हम रहे थे सोए थे हम तीनों यहाँ पर. आराम से हम लोगों का हो गया था. यहाँ पर भी एक विंडो है जैसे उठता है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. एक रात हो चुका है हमको यहाँ पर रुके हुए. इट्स क्वाइट गुड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिटेल में वीडियो बना देती हूँ, उनका भी फायदा आपका भी फायदा, आप भी कभी आओ तो एक्सपीरियंस कर सको. दूसरा चीज, इस बेड पर हम तीनों अच्छे से अकोमोडेट हो गए थे. ना कमिंग टू द वॉशरूम, आई शो यू द वॉशरूम, बिकॉज वॉशरूम इज समथिंग. जब भी मैं होटल रूम चेक इन करती हूँ वॉशरूम इज अ मस्ट फॉर मी. वॉशरूम अच्छा नहीं है आई एम नॉट चेकिंग इन. So yeah, we have got all the essentials in jitne bhi bathroom kits hote hain. We have got everything 3-3, like brush from, ab dekho yahan par we have got this mouthwash, everything, you know, shampoo, conditioner, body soap, body lotion, everything is available here. We have got a separate section for hair dryer. Yahan par plug points bahut acche se inhone set kiya hua hai. And isse mereko ek fayda hua hai ki main ye cheez dekh ke main apna jo washroom bana rahi hu wo acche se banaungi. Mereko, you know, mereko isse inspiration milta hai whenever I go to hotel rooms or something. इंटीरियर से सीखने को मिलता है. एंड दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माय रूम एज वेल और माय वॉशरूम एज वेल. यू हैव गॉट द पूप सेक्शन, यू हैव गॉट दिस बाथटब, डोंट कम मच. हां ठीक है. एंड दिस इज द शावर एरिया, लाइक दिस इज गुड. एंड मैं भी अपने वॉशरूम ऐसे लगाने वाली हूँ. सो यहाँ पर दे हैव सेंड अस अ नोट, डियर गेस्ट, यहाँ पर कुछ कुछ डिटेल दिया है मेरे को पता नहीं, यू कैन ज्वाइन मी नहीं. अच्छा, इस होटल में बहुत अच्छा है, यहाँ पर पूल है जो मैं आपको दिखाऊंगी. विल गोना एंजॉय द पूल एज वेल.
पूल इधर से दिख रहा है, हाँ नीचे पूल है, यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिख रहा है कनॉट प्लेस का, गोल 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 गोल, हम लोग कल से यहीं पर ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं। दिस होटल रूम विच आई एम स्टेइंग इज एग्जीक्यूटिव सूट, सो दिस हैज कॉस्टेड मी सम अराउंड 19,000 rupees पर नाइट, सो मैं यहाँ पर टू नाइट्स के लिए रुकी हूँ, सो मेरा टोटल बिल जो हुआ 38,000, लाइक 19,000 इज इंक्लूसिव ऑफ GST, दैट इज 16,000 प्लस टैक्स, एंड इसमें ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड इसके अलावा इफ यू वॉन्ट टू हैव स्पा मसाजेस पूल इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड, पूल के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, बट स्पा मसाज वगैरह कुछ कराना आप करा सकते हो, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स है अच्छे, देयर इज क्लब लाउंज, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, की अगर आप होटल में रहो तो काफी एक्टिविटीज आप इंजॉय कर सकते हो, सो यस ये होटल रूम का था। आप मुझे बताइएगा अपने एक्सपीरियंस, आपने कभी 5-star में चेक इन किया है कि नहीं। अभी फिलहाल मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब हम रूम में आए थे तो हमें फ्रूट्स दिया गया था, कुकीज दिया था, और फ्रूट्स में भी काफी अच्छे अच्छे फ्रूट्स है, लाइक क्वाइट गुड कीवी वी हैव गॉट, ऑरेंज वी हैव गॉट, माल्टा ऑरेंज वी हैव गॉट, दिस आलू बुखारा, एंड रात को फिर उन्होंने हमें ये दिया था असॉर्टेड प्लेट, लाइक वी हैव गॉट क्रैकर्स और गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, उसके साथ ये डिप एंड ऑलिव, सो ये मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद भी ये बाद में खा लूंगी। सो आई एम रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट बिकॉज दैट इज समथिंग आई रियली थ्राइव फॉर, गुड ब्रेकफास्ट, गुड फूड एंड वैरायटी ऑप्शंस इज समथिंग व्हिच आई लव 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 द मोस्ट, सो लेट्स गो एंड ईट सम डिलीशियस ब्रेकफास्ट। मम्मी इज फुल रेडी एंड शी इज सो हैप्पी, मम्मी जा रही है, फर्स्ट टाइम मम्मी ब्रेकफास्ट करेगी, हाँ ब्रेकफास्ट करेगी, मम्मी नॉर्मली घर में ब्रेकफास्ट नहीं करती है, डायरेक्ट लंच है ना मम्मी, हाँ तो भूखी भूखी, हाँ कितनी प्रिटी लग रही, तू नजर ना लगे, ये कौन सा 19th, कम नाउ दिस इज आई थिंक होराइजन क्लब लंच, यहाँ पे स्टीम्ड इडली, मतलब ये साउथ इंडियन और वैसा हो गया, ठीक है इडली है इसके अंदर आपका सांभर, यहाँ पर आपका ये हो गया जो सलामी हम लोग खाते हैं ना, सलामी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सलामी, ठीक है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉर्क नहीं, इट्स नॉट साबूदाना मां, इट्स मुस्ली, एक बार यानी मैं डाइटिंग कर रही थी तो मुस्ली खाया था, कुछ छोड़ दिया था, ये वही है, बिकॉज ये मम्मी का फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंसिंग सच थिंग, एंड बचपन में जब हमें कुछ नहीं पता रहता है तो हमारी मम्मी पापा ही हमें हर चीज़ हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं, सो आई फेल लाइक गिविंग हर द सेम टूर, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट आई कैन गाइड हर थ्रू विद द सेम विद द एंटायर कॉन्सेप्ट, एंड यस इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स राइट नाउ, तो यहाँ पर मैंने मम्मी को सेटल कर दिया है, नाउ इन द मील व्हाइल मम्मी जब तक खा रही है, I think we should do our work. The only thing which I am liking, वैसे तो it's all ठीक है, everything is okay, but only thing which I am liking here is that the bacon, I'm getting the option of bacon to eat up here, so I'm very excited to try that. Last जो आपने मेरा breakfast buffet वाला video देखा था उससे यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें different दिखेगी, in fact दो तीन नहीं काफ़ी सारी चीज़ें, starting from we have canned juices, like we have orange juice, watermelon, pineapple juice, but however you know I'm not a juice person, I rather prefer drinking black coffee. So यहाँ पर you get option of salads. So I think I'll take some salad today. What is this? I need to see. Oh, this is cheese actually. ये हमारे रूम में भी आया हुआ था, बट उस रूम में मेरे को खाने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज रात को मैं इतना खा के आई थी बाहर से कि मेरे को खाने का मौका ही नहीं मिला, सो आई थॉट अभी ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड, आई नीड टू आस्क वट सैलड इज दिस, कैबेज है बट वट सीड इज दिस, आई नीड टू आस्क, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वट सीड इज दिस, दिस इज शिया सीड्स, मतलब सोक्ड चिया, नो दिस इज नॉट शिया, लेट मी चेक विद द शेफ, प्लीज नाउ टेल नाउ वट सीड इज दिस, इसके साथ यू गेट अ लॉट ऑफ ड्रेसिंग्स एज वेल, आई होप आई एम डूइंग इट राइट, आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, ट्राई सम चीज अप हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर वैरायटीज ऑफ चीज, लाइक यू हैव आई कांट इवन प्रोनाउंस द नेम स्कैमोरिज़ा, एंड देन स्पेलिंग मेरे को हैंड राइटिंग ही नहीं समझ में आया, प्लस मैंने चश्मा नहीं पहना है, दिस चीज़ आई एम अवेयर अबाउट ब्राई एंड शेडर चीज़ इज नॉर्मल, लाइक दिस टू चीज़ आई हैव हर्ड अबाउट, आई हैव एट ऑल्सो, सो वी कैन गो फॉर दिस, आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस अ बिट, थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने खाया नहीं है पहले, दैट्स कॉर्नफ्लेक्स, आई एम नॉट अ कॉर्नफ्लेक्स पर्सन, यू हैव ऑप्शन फॉर नट्स अप हियर, वॉलनट बुद्धि बहुत बढ़ाएगा, आई एम नॉट अ नटी पर्सन एट ऑल, रादर आई एम अ नॉटी पर्सन थोड़ा सा, सो व्हेन आई से आई एम अ नॉटी पर्सन, सो लेट्स हॉग ऑन टू सम माय काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग अ पोक सॉसेज एंड माय फेवरेट बेकन, आई एम गोना सिंपली स्टार्ट ऑफ माय ब्रेकफास्ट विद द पॉर्क, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई विल बी ईटिंग पॉर्क इन दिस ट्रिप, दिस इज सो गुड, दिस इज ऑनेस्टली रियली 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 गुड, Very nice. I'll take it with the cheese, with the olive.
इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू इज़ वेरी क्लास, लाइक इट्स सटल बट इट इज़ अ गुड वेराइटीज, लाइक काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को भी मिला, खाने को भी मिला मेरे को. इट्स वेरी गुड, आई लव दिस. मेरे को अच्छा लगता है, आई लव दिस. यू नो देयर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन ईटिंग बेकन. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. मैं एक ना वो बनाती हूँ क्रैकर के ऊपर. मैं इसका नाम फिर भूल गई, बट ये खाने बहुत अच्छा है. It's smoky outside and very soft and creamy inside. Very nice. एक चीज़ मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी वो है they have this option of congee rice. ना आपको normal congee भी मिल जाएगा, chicken congee भी मिल जाएगा. ना here I'm eating chicken congee which looks super fabulous. Let's just add this thing. So this is fried onion, little bit of chili flakes, tofu, and this is chili oil. Chili paste actually, which is super good, super good. Now this you can add as per your preference. मेरे को चटपटा पसंद है इसलिए मैं चटपटा बना के खा रही हूँ. Green onion. And I'll just add little bit of the soya dip because ये बहुत salty है, very very salty. So एकदम थोड़ा सा. Now just mix this. Wow, इसका color ही कितना प्यारा लग रहा है ना, such beautiful cloudy color. उसमें वो red color का flakes looks super tempting. Now let's try this. This is going to be really soulful, I tell you. This is like my kind of breakfast. Now, mummy, वो English breakfast खाने के बाद now she is trying on this Indian breakfast. So आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि you will get this English breakfast only. कुछ भी करा रही है यहाँ पे. रेडी, 1 2 3 गो. माँ ऐसा लग रहा है, देखो क्या है, क्या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है. पूल में आ गए है, मम्मी स्विमिंग भी कर सकती है. ये लोग मस्ती कर रहा है, बॉल खेल रहा है, पता नहीं क्या. और भाई साहब बैंगलोर में जो किए थे उससे इसका स्वाद पानी का क्वालिटी अच्छा है. हाँ, सो अभी हो गया है. नाउ ये दिस इज वाटरमेलन एंड दिस इज लेमन. यस, एंड देयर इज मॉमी. वी हैव ऑर्डर्ड पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता. वूहू, लुक्स टेम्प्टिंग. 1200 रुपीस पास्ता, लुक्स गुड. यस, एंड दिस इज 600 रुपीस. दिस देखो, जूता छोड़ के भाग रही है मम्मी. मम्मी का हालत कल रात से बहुत खराब है, कुछ खाई पी नहीं है फिर भी. और ये तो खराटा मार के सो रही थी. मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, मम्मी इज नॉट फीलिंग गुड. मम्मी को पापा का याद आ रहा है. और सिंजू को जोया का याद आ रहा है. सॉरी, सिंजू बोल रही हूँ, बिट्टू को जोया का याद आ रहा है. जोया जोया की खुशी में बिट्टू इज ईटिंग मीठा. मैंने एक गाना बनाया अभी बैठ बैठ के, बिट्टू का रील बना रही थी मम्मी, क्योंकि ना एकदम वैसे करी, मेरी बिस्किट खा वो, पाड़ी जा वो, भी खा वो, ORS खा वो, जॉल चीनी, मूडी चीनी जॉल. मुझे घर जाना है माँ, मुझे घर जाना है.
सो यस मम्मी की सुबह से तबीयत काफ़ी ख़राब थी बट मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना था बट समहाउ आई पोस्टपोन द प्लान फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट डे एंड आई थिंक इसी वजह से हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हम गेट के सामने से हमें वापस जाना पड़ा बिकॉज मॉम वॉज फीलिंग वेरी लो एंड वीक बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब मैं आ रही हूँ तो सबसे पहले मैं गुरुद्वारे के दर्शन करूँगी उसके बाद ही अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी. स्विमिंग पूल बोल रहा है तुम हो गए एकदम चंगी आ जाओ मेरी रानी बाहों में घूमो क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी. Wow, wow, wow.